हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों के बाद से किनारे बैठे शत्रुघ्न सिन्हा को आखिरकार कांग्रेस में करने को कुछ मिल ही गया। दिल्ली विधानसभा चुनावों में उनका नाम कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल कर दिया गया। यूपी में डूबे राज बब्बर भी दिल्ली में उभरेंगे, लेकिन कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नवजोत सिंह सिद्धू का नाम शामिल नहीं किया गया है। शत्रुघ्न सिन्हा बिहारी वोटर्स को लुभाएंगे तो राज बब्बर यूपी के लोगों पर डोरी डालेंगे। जाट वोटर्स के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा मोर्चा संभालेंगे, लेकिन सिख वोटर्स को कांग्रेस के पाले में लाने का काम नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं दिया गया है। कांग्रेस इस काम के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिम्मेदारी देगी, मतलब कि नवजोत सिंह सिद्धू और पार्टी के बीच जो खटपट शुरू हुई थी वो आज भी जारी है। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में अशोक गहलोत से लेकर सचिन पायलट तक के नाम शामिल हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के प्रचार की तुलना में कांग्रेस का चुनाव प्रचार अभी बेहद धीमा है, और कांग्रेस मुकाबले में बने रहने के लिए इस स्थिति से उबरना चाहती है। इसी वजह से सोनिया गांधी ने लोकसभा का चुनाव हारे सभी उम्मीदवारों से चुनाव लड़ने को कहा है। संकेत इस तरह के भी हैं कि सोनिया गांधी दिल्ली में सक्रियता से प्रचार करेंगी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा तो मोर्चे पर हैं ही। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया।